खबर यह आ रही है कि 10 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा और कहा जा रहा है एसआईटी बिठाई जाए तीनों पार्टीज के फंडिंग को लेकर। ऐसी खबरें भी आ रही है। पिछले 4 दिनों से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर जारी कर रही है। हर दिन किसी ना किसी नए मुद्दे को लेकर चर्चा होती है और केजरीवाल से हिसाब मांगा जाता है। कल के पोस्टर में जमकर विवाद हुआ था, हंगामा हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं कल के पोस्टर में जो चीजें सामने आई। अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और बकायदा लिखा है कि आम आदमी पार्टी के 5 नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एसआईटी की मांग करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आप? अरविंद केजरीवाल का 3 ट्वीट आ चुके हैं भर भर के। पहला ट्वीट यह है कि करीब 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और एसआईटी प्रोब की मांग करेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी चाहती है कि बीजेपी, कांग्रेस और आप सबकी फंडिंग की जांच हो। एक दूसरी चीज, जो 5 नेता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनके नाम भी बता दिए गए हैं, वो हैं आशुतोष कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशीष खेशा, योगेंद्र यादव। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और सुप्रीम कोर्ट जाने से पूरे प्लान का खुलासा किया है। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या लिखा है आइए एक बार आपको ट्वीट के जरिए दिखा भी देते हैं। आप सभी पार्टियों को मिले चंदे की एसआईटी जांच के लिए आवेदन देगा। आपके 5 नेता 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष से भी एसआईटी जांच में सहयोग देने की मांग। यह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। इस बीच दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी प्रकट हो चुका है। फंड के विवाद को लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल का समर्थन किया है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो केजरीवाल के प्रशंसक नहीं है, फिर भी केजरीवाल को बीजेपी की चुनौती देना ठीक है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है, मैं केजरीवाल का बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन वो ठीक है जब बीजेपी को इस बात की चुनौती देते हैं कि चेक से 2 करोड़ का चंदा देने वालों पर कार्रवाई करके दिखाओ।